लजीज लग रहा है गाइस, पूरा लजीज। बोल रही हूँ क्या हो रहा है? ये देखो Something about you feels so different. Welcome to my new vlog. कैसे आप लोग? तो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं KFC चिकन फ्राइड, KFC चिकन फ्राइड हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए क्या क्या है। अभी ये सॉस डाला जा रहा है, चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस और गार्लिक पेस्ट। ठीक है, चिल्ली सॉस नहीं, चिल्ली सॉस बोलते हैं उसको। आप लोग देख लो रेसिपी क्या क्या इसमें डलाता है, कैसे बनता है, आप लोग भी देख लो और घर में ट्राई जरूर करना बनाने का। गाइज अभी इसमें डाले हैं टोमेटो सॉस और सोया सॉस डाल चुके हैं और गार्लिक पेस्ट डाले हैं, उल्टा दिखा रहा है पैकेट। गार्लिक पेस्ट डाले हैं, चिकन को थोड़ा मिक्स करेंगे, मतलब चिकन को मिक्स करेंगे सारे पेस्ट में। देख सकते हैं चिकन जो है इस सारे मसाले में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेट इसलिए करने छोड़ दिया जाता है ताकि सारा जो मसाला है वो कि क्रंची और क्रिस्पी बन जाए, उसमें स्वाद आ जाए इसलिए। तो गाइस अब इसमें चिकन डाला जा रहा है, ये देखिए। ये देखो चिकन को मिक्स किया जा रहा है, अब अच्छे से मिक्स करके इसे 2 घंटे तक रहने देंगे तो ये अच्छे से मतलब बढ़िया हो जाएगा। और 2 घंटे के बाद इसे पकाएंगे मस्त से KFC टाइप में। पिछली बार बनाए थे गाइस बहुत ही मस्त बना था, तो इस बार और बना रहे हैं। अब देखते हैं सर किस तरह बनता है, आप लोग रेसिपी भी देख लो। तो गाइस इसमें चौमिन मसाला भी डाला गया है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो चौमिन मसाला डाला है, ऑप्शनल है। अभी तक थोड़े 2 घंटे तक रहने के लिए, अभी देखो उधर 7 बज रहा होगा, आ गया उधर देखो 7 बज रहा होगा, तो 9 बजे तक हो जाएगा, तो 9 बजे तक हम लोग रहने देंगे। बस उसके 9 बजे के बाद फिर बनाना शुरू करेंगे सारा प्रोसेस। तो गाइस अभी टाइम देखो बज चुके हैं, 9 बज गए, 9 बज गए तो हो रहे हैं। और देख लो ये रेडी हो चुका है सब, क्या हो रहे हैं अभी देख लो। मैदा लग रहा है और ये क्या चीज है, कॉर्नफ्लोर है गाइस, ये कॉर्नफ्लोर। देख लो रेसिपी आप लोग। मैं इसमें अब हल्दी डाला जा रहा है, हल्दी पाउडर बस। मिर्च पाउडर लाओ, तो गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला जा रहा है गाइस मैगी का, वो देखो आ रहा है। ये रहा खिची है, ये मिर्चा पाउडर है गाइस, ये मिर्चा पाउडर। चाकूला नमक लाओ, वैसे अब नमक डाला जा रहा है इसमें। स्वादानुसार डालें नमक, ज़्यादा है बढ़िया रहेगा। हमको लगता है नमक नहीं लगता है, ये इससे तो वह इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर इस चिकन को डाला जाएगा। देख लो ये चिकन, इसमें 2 घंटे तक इसे रखा गया था, ये देख लो कैसा हो गया, अंदर 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 तक ये सारे मसाले सारे सॉस वगैरह चले गए हैं एकदम अंदर तक मस्त है। तो इसे उसमें डाला जाएगा, वो भी मिक्स हो रहा है ना, तो उसमें डालकर फिर अच्छे से हो जाएगा, मस्त लगेगा फिर गाइस। देख लो तो देखो आटा गिर रहा है, इसे मिलाने भी नहीं आ रहा भैया को। देखो हाँ देखो साइड साइड पूरा आटा गिरा है, बड़ा बंटन हमारे घर आदमी है। हाथ से मिलाने से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हाथ से मिलाने में नहीं है चीज़, तो हाथ से मिलाने में गिरेगा भी नहीं, अभी ये ड्रामा करेगा। डोंट टच तो अभी इसमें रिफाइंड ऑयल डाला जा रहा है, सोयाबीन तेल, ये देखो। फिर इसे गरम करेंगे, गरम होने के बाद फिर ये भी तो कोई इजी रखा हुआ है, इसमें इसको मिक्स किया जाएगा इसमें। उसके बाद
मिली है, ये है संगम जो कि आप देखे किए हैं। सुनो गाइस इसका आवाज़ सुनो, देखो इसका भाषा सुनो, भाषा क्या बोलता है। कहाँ से है तुम, कहाँ से है, कौन सा ग्रह से है, कौन सा ग्रह से है? तो गाइस अब चिकन को इसमें डालकर मिक्स करके फिर पानी में दिया जा रहा है। देखो मतलब अलग ही लेवल का प्रोसेस है गाइस, इसमें पानी में देख रहा है, यह देखो इसमें सारे मैदा का जो भी है सब लग गया इसमें, फिर से दोबारा डालकर ये देखो बहुत ही एकदम से बना जाता है। तो गाइस ये अच्छी तरह से पक रहा है, तो इसे पकने देते हैं, उसके बाद फिर बन जाएगा, उसके बाद खाएंगे, मतलब देखते हैं कैसा टेस्ट लगा, देखते हैं कैसा रहता है, कैसा खाने में लगता है। तो ये भी सीझ ही रहा है। तो गाइस देखो संगम क्या कर रहा है, जाओ बन गया, जाओ ना जी बन गया, जाओ बन गया, जाओ बन गया, खा, ओ ये भी खाएगा, जाओ बन गया, जाओ खा, जाओ निकालो निकाल खा। देखो लाल हो गया है, 5-10 मिनट के बाद निकल जाएगा, 5-10 मिनट के बाद निकलेगा, फिर हवा संगम मिलकर खाएंगे। तो ऐसा निकलने जा रहा है KFC टाइप चिकन, देखो टिश्यू पेपर पर इसलिए क्योंकि तेल सोखने के लिए टिश्यू पेपर रखा गया है, तेल नहीं तेल सोखने के लिए रखा गया है। लजीज लग रहा है गाइस, लजीज ये देखो भाई पूरा लाल लाल। चलो संगम तो खाने का मन नहीं है क्या? तो नहीं लग रहा, एक्साइट एक्साइट खाना है और क्या। तो इसमें मैगी मसाला भी ऊपर से छिड़का गया है, चौमिन मसाला। इससे क्या होता है कि ऊपर से जब छिड़कता है तो कुछ होता है, स्वाद अच्छा हो जाता होगा। खाने में एकदम KFC टाइप जैसा ही लग रहा है, एकदम टेस्टी, एकदम मस्त, एकदम कैसा लगा तुमको? अगर कभी खाया KFC वाला कभी खाया है आसनसोल में? तो स्वाद वही है क्या, स्वाद वही है क्या? हाँ इसके ऐसा नहीं, लेकिन तब पर मस्त होममेड जैसा अच्छा दिया गया, मस्त लग रहा है। होममेड तो बढ़िया रहता है, KFC में क्या पता कैसे कैसे बनाता होगा, लेकिन होममेड देगा बहुत मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा खाने में। खाते हैं तो खाते अब जाते हैं आप, अब चलिए। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।